नमस्कार दोस्तों, Xiaomi की सब ब्रांड Redmi ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना ब्रांड न्यू फोन Redmi Note 7। तो आज दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए और बात करते हैं इसी नए फोन के बारे में, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कैसा है ये फोन और ये फोन कब इंडिया में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीडी टेक्नोलॉजी में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ऐसे ही नए नए वीडियोज जो आपको बहुत पसंद आएंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi Note 7 का बॉक्स। इस बॉक्स को ओपन करने पर आपको मिलेगा, एक मिलेगा Redmi Note 7 का फ़ोन, चार्जर और USB टाइप सी केबल। ये अच्छा किया Xiaomi ने कि बजट रेंज के अंदर टाइप सी केबल दे दिया है, और आपको साथ में मिलेगा एक चार्जर जिसकी आउटपुट है 5V 2A की और ये सपोर्ट करता है क्विक चार्ज को। और इसके साथ एक और है बैक कवर है जो प्लास्टिक का, जो आपको फ़ोन को प्रोटेक्शन देगा। अगर बात करें Redmi Note 7 मोबाइल के फिजिकल ओवरव्यू की, तो इसमें 6.30 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल है। जो इसके इसका जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो है इसका कैमरा। कैमरे दो है, बैक साइड में और एक है फ्रंट में। जो बैक वाला कैमरा है वो दो है, तो एक है 48 मेगापिक्सल का और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट वाला जो कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का। और इसके दो अलग अलग वेरिएंट आएंगे, जो है 332 GB का और 464 GB का। और इसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड वर्जन 8 है ओरियो का। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 4000 mAh, जो Redmi Note 5 और Note 5 Pro के बराबर है, जो एक डेढ़ दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस फोन की बात करें तो इसके रिलीज डेट है वो है जनवरी 2019 में, चाइना में तो हो गया था, पर इंडिया में अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं है कि उन्होंने लॉन्च नहीं किया अभी तक इंडिया के अंदर। वो बोल रहे हैं कि जल्द ही करेंगे। जो ये सपोर्ट करता है वो है फास्ट चार्जिंग क्विक चार्ज 4 को, और ये अलग अलग कलर्स में भी प्रोवाइडेबल है। कलर्स कौन कौन से, तो ये हैं गोल्ड है, ब्लू है और ब्लैक कलर के अंदर ये मार्केट में मिलेंगे। और इसकी डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले जो इसका है वो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है, और इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19.5:9 है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसका जो प्रोसेसर है वो है 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है, जो एक बहुत ही बेहतर प्रोसेसर है, जो आपके मल्टीपर्पज़ वर्क करने के लिए मोबाइल में आपके लिए बहुत काम आएगा, जिससे आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। इसके अंदर स्टोरेज की बात करें तो 32 GB या 64 GB का तो स्टोरेज इनबिल्ट आएगा ही, उसके साथ आप इस स्टोरेज को एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं 256 GB तक मेमोरी कार्ड की हेल्प से। इसकी जो फोन की जो सबसे मेन हाईलाइट है वो इसका कैमरा था, जो है बैक में 48 मेगापिक्सल का कैमरा। जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ये सिर्फ प्रो मोड में काम करेगा। Xiaomi ने ये मार्केट अपना बढ़ाने के लिए, ताकि प्रचार ज़्यादा हो, ताकि लोग इस बहकाव में जल्दी आए, उन्होंने बस ये नंबर बढ़ा दिया कि 48 मेगापिक्सल का है, पर ये डार्क लाइट में बिल्कुल भी काम नहीं आता है, बिल्कुल भी उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि नॉर्मल कैमरे से होता है। और जो फ्रंट वाला है वो 13 मेगापिक्सल है, सेल्फी कैमरा है, दोनों तरफ ही LED फ्लैश है। जो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है एंड्रॉयड वर्जन ओरियो 8 है, और जो Redmi का वर्जन है वो है MIUI 9 है। इस फोन में उसके अलावा है USB टाइप सी प्रेजेंट है केबल, और हेडफोन है वो भी है 3.5 mm जैक, ये अच्छा है। और इसके अंदर दो नैनो सिम भी प्रेजेंट है। इसके अगर बात करें सेंसर की, तो इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है जो बहुत ही फास्ट है। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इंडिया में लगभग ये 3GB 32GB का स्टोरेज वाला फ़ोन इंडिया में आएगा वो आएगा 10,500 रुपये में, और जो 4GB 64GB का जो स्टोरेज वाला फ़ोन है वो इंडिया में आएगा लगभग 12,500 रुपये में। तो Redmi के इंडिया के CEO है जो हाल ही में, उन्होंने बताया है कि जो Redmi Note 7 है वो इंडिया में मार्च से पहले पहले आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये आपको वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये आपको Redmi Note 7 की यह वीडियो आपको पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
वंदे मातरम।